राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपनी नई किताब द टर्बुलेंट ईयर्स 1980 टू 1996 में संजय गांधी के बारे में जो कहा है उससे नया विवाद खड़ा हो सकता है। बाबरी मस्जिद को गिराए जाने को एक बेहद शर्मनाक घटना बताते हुए प्रणब ने लिखा है कि ये एक ऐसी घटना थी जिससे दुनिया में एक सहिष्णु और धार्मिक सद्भाव वाले देश के रूप में भारत की छवि को धक्का लगा। असम विधानसभा में बीजेपी ने अपना सीएम उम्मीदवार घोषित कर दिया है। बीजेपी ने सर्वनंद सोनोवाल को अपना सीएम उम्मीदवार घोषित कर दिया है। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी की मुंबई के अंधेरी इलाके में एक डांस स्कूल खोलने की योजना विवाद में घिरती नजर आ रही है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर पहुंचे। राहुल ने दरगाह पर कव्वाली भी सुनी। स्मार्ट सिटी के लिए यूपी, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल और बंगाल का कोई शहर नहीं चुना गया। देश में 20 शहरों का चयन स्मार्ट सिटी के तौर पर किया गया। इसके लिए सरकार ने कई तथ्यों को ध्यान में रखा। रेलवे के नए नियम के मुताबिक एक महीने में एक लॉग इन से अब 6 बार ही टिकट बुक करा पाएंगे। राजकोट में ऑटो गियर बैटरी से चालित इलेक्ट्रॉनिक बस का ट्रायल रन किया गया। बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। कासगंज में पति पत्नी के विवाद में सालों ने जीजा को मारी गोली, गंभीर हालत में घायल संजय को अलीगढ़ किया गया रेफर। हरदोई मुखबिर महिला के साथ गांव के युवक ने किया रेप, पीड़ित के पति की भी की पिटाई। फिरोजाबाद में पैसों के लेन देन को लेकर हुए विवाद में एक युवक को जिंदा जलाया, आसपास के लोगों ने बचाई जान। एटा जिले में अवैध खनन को रोकने गई प्रशासन की टीम पर हमला। खनन माफियाओं ने एटा के उप जिलाधिकारी, नायब तहसीलदार और उनके गनर को ट्रैक्टर से कुचलकर मारने की कोशिश। फिल्म निर्माता तिग्मांशु धूलिया हॉरर टीवी कार्यक्रम डर सबको लगता है 2 के दूसरे सत्र की तैयारियों में लग गए हैं। काला खड़ूस की एक्ट्रेस और रियल लाइफ की बॉक्सर रितिका सिंह का मानना है कि जितनी मुश्किल बॉक्सिंग है उतना ही मुश्किल है एक्टिंग करना। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने बिग बॉस के फिनाले में कटरीना कैफ को उनकी एक तस्वीर भेज दी। यशराज पैनर की अपकमिंग फिल्म बेफिक्रे की रिलीज डेट सामने आ गई है। रणवीर सिंह और वाणी कपूर स्टारर ये रोमांटिक फिल्म 9 दिसंबर 2016 को रिलीज होगी। अपकमिंग फिल्म फितूर में कैटरीना कैफ का लाल बालों वाला लुक लोगों को काफी पसंद आ रहा है। फिल्मकार राजकुमार हिरानी आने वाली फिल्म काला खड़ूस के टाइटल पर सेंसर बोर्ड द्वारा कैची नहीं चलाए जाने से थोड़े हैरान हैं।